चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं कन्या शर्मा, देर चेंजिंग फ्यूचर में। इस वक्त दिल्ली के सिंगू बोर्ड पे मौजूद हूं और मेरे साथ है कुलवंत सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही है बॉर्डर पे। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से? मैं सर ये अलीपुर थाना क्षेत्र से हूँ और मैं इस मुद्दे पे ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो है मैटर ना, मेरा बाइडन कल हो चुका है, क्योंकि इस समय जो पिछले बार का जो हुआ था उससे भी ये गलत हो रहा है, और जैसे कि किसानों को कसदद हो रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और देखो, किसानों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि जो 18 किलो रुपए जो अनाज होता है वो क्या पतंजलि 45 रुपये किलो बेच रहा है, तो सभी चीज़ों में ध्यान में रखते हुए इसको सबसे वापस लेना चाहिए। दूसरा जो भी जो काम है वो वापस लेने चाहिए, और किसान गलत नहीं है, किसान गलत। MSP फर्स्ट, दूसरा उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम जो सरकार चाहती है, सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि हम बस जैसे अगले इलेक्शन हम जीत जाएं। भाई जीतो, जरूर जीतो, पर देश हित में पहला होना चाहिए। इस समय ये ऐसा काम हो रहा है जैसा यूक्रेन और पुतिन का रूस का वार हो रहा है। देश के अंदर तो ऐसा वार मत करो, सिविल वार मत पैदा करो। किसान गलत नहीं है, पुलिस गलत नहीं है, ये मैडम जी खड़ी हैं देखिए, ये गलत नहीं है। जवान को और किसान को सामने आमने सामने खड़ा कर दीजिए ना, तो देख लेना ये देश का दुर्गति होगी। आज नहीं होगी तो कल होगी। देश किसान गलत नहीं है, यहाँ की सरकार गलत है। अपना मसौदा तो रखो ना, कोई सरकार को कोई जनता चाहती कि हमारा नुकसान हो। 2021 में ये मुद्दा था इनका जो 3 कानून हुआ, और केंद्र सरकार ने उनको हाँ भी करा था सर। उसमें गुरु नानक साहब जी का प्रकाश गुरपुरब आया था, उन्होंने एकदम ही बोल दिया कि आप हमने ये माफ़ कर दिया, ठीक है हमने माफ़ कर दिया। तो हमारे जो भाई बंधु ने उन्होंने सब लड्डू पीनी ऐसे भी बांटी, पर वो रिजेक्ट था। वो बोलने में और करने में फर्क होता है भाजी। ये किसान जितने 750 किसान मरे थे, क्या उनका मुआवजा देगा कोई? अमित शाह का बेटा कभी मरा है? अमित शाह का बेटा मरा है? राजनाथ का बेटा मरा है? आपके राय में क्या किसान गलत या सरकार गलत? सरकार गलत है। किस मामले में? MSP में, और दूसरे नंबर पेट्रोलियम मैटर में, और दूसरा जैसे अभी किसानों उस ड्राइवर पे लगा दिया। 2021 में ये मुद्दा फिर उठा था उन्होंने, कानून पास करने के लिए बोला था, पर वो दोबारा इलेक्शन टाइम ऐसा क्यों कर रही है बताओ? कि सबसे बड़ी मुद्दे से आम पब्लिक ज्यादा परेशान है उसके लिए। सर वो झूठ बोल गए थे, सर वो झूठ बोल गए थे। उन्होंने ऐलान करने से कुछ नहीं होता। जैसे आपने कह दिया कि जैसे मोदी निकल, मैं आपके खाते में 15 लाख दूंगा, आ गया। उस मैं लाइव बोल रहा हूँ आपके सामने, लाइव बोल रहा हूँ BJP के लाइव करा भाई, 15 लाख आ गया आपके खाते में। भाजी आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसान भी नहीं है, दिल्ली से है, पर आप दिल्ली वालों को क्या दिक्कत हो रही है? भाई साहब, आटा तो हम किसानों का खाते हैं, आप भी सरदार है ना, आटा तो हम किसानों के से खाते हैं। आपके खाते में 15 लाख आया? नहीं आया। उनके जुमला है तो ये क्या जुमला है? सरकार जुमला है क्या है? तो आप कौन सी पार्टी को सही मानते हैं? मैं किसने मैं मानता हूँ केजरीवाल मानना है, केजरीवाल को मानते हैं उसको, केजरीवाल या नहीं? एक मिनट भाई साहब, फाइट करो, थोड़ा सा इधर आ जाओ चांदनी में, इधर आ जाओ। आप बताओ, मैं पूछ रहा था कि आप कौन सी पार्टी को सही मानते हैं? मैं किसान आंदोलन को सही मानता हूँ। नहीं, पार्टी की बात हो रही है, आपने बोला कि BJP गलत है। अगर BJP गलत है तो कौन सी पार्टी सही है? आप दिल्ली में रहते हो, मामले में गलत ही। देखिए, 15 लाख आपको वादा किया, ये तो चाहिए नहीं, लेकिन हमें अपना हक का खाना है। लेकिन आप किसानों को अगर गलत देते हैं भरोसा, वो गलत है। और अब गोलियां चल रही हैं वहाँ सिंबू बॉर्डर पे, कोई बंदा जानता है? कोई नहीं जानता।
कहते हैं कि वो ना राजनीति षड्यंत्रकारी हैं, वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं पंजाब से। देखो सीटें चाहिए उनको आने वाले 24 में। वक्त आ गया, कांग्रेस खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, बीजेपी भी खत्म हो गई, ये उधर सुने है रब दा, ठीक है ना। आप इतने हम सभी हैं यहाँ के रहने वाले, ठीक है ना। कौन सा काम है? कौन सा काम आपका? कौन सा काम है? पिछले साल जो आंदोलन चला था कितनी दिक्कतें सामने आया था? मैं ये कह रहा हूँ सरासर केजरीवाल करा रहे, कुछ करा रहे कांग्रेस, ठीक है। जो 2021 में तो केजरीवाल जी ने तो मतलब किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था, अब भी सपोर्ट केजरीवाल कर रहे हैं, और देश में कहीं पे कुछ नहीं है। सपोर्ट करने के बाद उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, सपोर्ट कर फिर पंजाब में तो वो सही है ना, तरीका सही है खान ने। क्या हरियाणा के किसान इस आंदोलन को संभाल गए नहीं भाई? सोनीपत में रोहतक में कहीं पे इंटरनेट बैन होया नहीं होया? क्योंकि जींदर जो हिसारे के आदमी है ना, ये इस टाइप के है, अगर इन मतलब धरना प्रदर्शन तो फालतू का टाइम दूसरे नुकसान करना, ठीक है। इसके अलावा इनके और कुछ है नहीं। अगर वो शंभू से आते हैं तो हरियाणा साथ नहीं दे रही उनका? ना हरियाणा ना दे। आज चुड़ुनी की मीटिंग भी थी किसान यूनियन के, जो छोटे मोटे इतने थे, मतलब पाकिस्तान में भी हिंदू मिल जाएंगे, ठीक है ना, मतलब वो छोटे मोटे उनकी वो ना। तो इस बार जो है हरियाणा के जो तमाम किसान है इसका समर्थन नहीं कर रहे? ना ना। तो अगर वो बॉर्डर से यहाँ पहुँचे तो हरियाणा साथ नहीं देने वाला? ना हरियाणा पहले दिया था उस समय, वो नहर का पानी क्यों नहीं दे रहे? जब वो भाईचारा खत्म हो जाए, दो तीन महीने पहले बंदवान ने बोला था ना नहर के पानी के ऊपर, ये ना सब राजनीति पे बात क्यों नहीं की? हाँ सब राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी वो वहाँ पर पड़े हुए हैं और हरियाणा में आप कह रहे हो कि किसान साथ नहीं देंगे, तो सुनने में ये आया था कि इस एरिया में के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, उन्होंने सरकार को और स्थानीय प्रशासन को मांग पत्र दिया था कि हमारे रोजगार हमारा बिजनेस ठप हो जाता है, जैसे आप भी रसोई ढाबा से मुझे लगता है होगा, तो क्या मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।